हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं नुमान और मैं स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में किंग्समैन एक्सपो में। तो आज हम देखने वाले हैं एक नया चीज़, ये है लीची। मैं आपको दिखाता हूं लीची, और ये है मुजफ्फरपुर का चाइना लीची, और मैं आपको शाही लीची भी दिखाऊंगा। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। जो सबसे नंबर वन में फेमस है मुजफ्फरपुर का लीची, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लीची का बागान है पूरा, और इसमें मैं आपको चाइना लीची भी दिखा रहा हूँ। और थोड़ा नजदीक आइए तो है, ये सबसे लास्ट में ये वाला लीची होता है, और इसका शेप थोड़ा टेढ़ा होता है। मैं आपको जो शाही लीची है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कंपेयर करके, और दोनों में क्या फ़र्क है मैं ये भी बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ शाही लीची उसमें और चाइना लीची में क्या फ़र्क है। और ये है मुजफ्फरपुर का लीची, जिसके वजह से पूरा मुजफ्फरपुर भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में मुजफ्फरपुर फेमस है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ शाही लीची। तो दोस्तों, ये मैंने तोड़ लिया है दोनों लीची, और मैं इस लीची को थोड़ा नीचे रखता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इस दोनों में क्या फ़र्क है। ये थोड़ा टेढ़ा है, क्रॉस है, और थोड़ा इधर हरा है, और ये क्रॉस रहता है थोड़ा अलग शेप का, और ये है कि ये पूरा गोल है और लाल है पूरा। तो आप इसका फ़र्क पूरी तरीके से देख सकते हैं। चलिए मैं आपको इस दोनों को खोल के और खा के टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। तो देखिए एकदम साफ है, इसमें कोई कीड़ा नहीं है। इसमें अगर कुछ ब्राउन ब्राउन सा रहता है तो समझिए उसमें कीड़ा है। उस लीची को खाने से आप बचें। ये लीची पूरा मीठा है। तो अब मैं शाही चाइना लीची को खोलने जा रहा हूँ। इसमें थोड़ा जो गूदा है लीची का वो थोड़ा कम होता है। और ये खट्टा भी काफी ज्यादा होता है। तो इसका जो गूदा है, जो इसका बिया है वो थोड़ा टेढ़ा टाइप का, इसमें नोखी निकला हुआ रहता है। तो ये फर्क है शाही और चाइना लीची में। शाही थोड़ा कॉस्टली बिकता है और चाइना थोड़ा सस्ता में आपको मिल जाएगा मार्केट में। चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ लीची के बारे में। जैसे मैंने ये लीची तोड़ा है, मुझे उम्मीद है कि इस लीची में कीड़ा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, ये लीची भी ठीक निकला है, इसमें कीड़ा बस लग नहीं वाला था, लेकिन ये लीची थोड़ा ठीक निकला। और ये है लीची, बहुत ही मीठा, बहुत ही मीठा लीची है। तो दोस्तों, आप इस ट्रेड के रिलेटेड भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप पूरे इंडिया में कहीं भी आपको अगर लीची मंगवाना होगा तो मैं आपको जो इसके रिटेलर हैं, जो इसके होलसेलर हैं, मैं आपको उनका कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, और आप उनसे बात करके इंडिया में कहीं भी मिल जाएगा इसका बिज़नेस। अगर आप करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, बहुत ही शॉर्ट टर्म का बिज़नेस है, लेकिन बिज़नेस इसका काफ़ी अच्छा है। तो मुजफ्फरपुर का ये जो लीची है ये काफ़ी फेमस है। तो चलिए इसका सिनेमैटिक शॉट हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मुजफ्फरपुर का लीची ज़रूर अगर आप टेस्ट किए हुए हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कि मुजफ्फरपुर का शाही लीची कैसा होता है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अगर टेस्ट किए हुए हैं तो ये लीची कैसा होता है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अपना